ये ताल्लुक का मतलब नहीं है, हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, वाह, हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे, आस तीनों में पलते रहे हैं। गजल का मख्ता बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुनिएगा। क्या शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। मख्ता, बहुत शुक्रिया। ए शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। ए शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो। इमरान, आपके लिए ही आपकी तरफ से पढ़ती हूँ। शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, जलने वाले तो जलते रहेंगे, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। बहुत शुक्रिया। जलने वाले तो जलते रहेंगे, आस तीनों में पलते रहे हैं। वाह 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 वाह। जी जी, मैं भी वही चाहती हूँ, पेश करती हूँ। जी जी बिल्कुल, वो तो बनी गई है। अब मैं पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ। मेरे होंठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होंठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। क्या अच्छा खासा लोग बैठे थे, क्या हुआ अचानक? ये सब छड़ी ने किया है, जादू की छड़ी। सुन लिए दोस्तों, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप बैठ जाइए, मेरे छोटे भाई हैं, बैठ जाए, बैठ जाए। ये आने वाले कल का मुस्तकबिल है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। कम से कम अगर इस महफिल में बैठेंगे तो इनको आदाब भी आएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे छोटे भाइयों ने मुझे भी अपने दुआओं से नवाजा, और हम भी इनकी सलामती की दुआ करेंगे। एक बार जोरदार तालियां अपने ऐसे छोटे भाइयों के लिए जिनके अंदर हौसला भी पैदा होना चाहिए और हिम्मत पैदा होनी चाहिए ऐसी अदब की महफिल में बैठने की। पेश करती हूँ। मेरे होंठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। भाई अब ज्यादा इम्तिहान ना लिया जाए, शोरा को पढ़ना है। मैं चाहती हूँ कि वो गजल पढ़ूं जिसके लिए नूरानी भाई ने मुझे हुक्म दिया है, बस इजाजत दे दें, मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। कि खामोश लब है, बस बस बस, मुशायरा है, सियासी जलसा नहीं है, हमें मुशायरे के आदाब भी मालूम है। आपके सलीके को मैं सलाम। सुनिए दोस्तों, आपने मुझे बहुत सलीके से सुना, क्योंकि कुछ देर पहले जो आवाजें आ रही थी, कम से कम आपने जब इस बहन को सुना तो मैं भी आप पर नाज करती हूँ, सल्यूट करती हूँ और आप पर नाज करती हूँ कि आप ऐसे ही अदब की महफिल को बरकरार रखें, लेकिन कोई ऐसी आवाज ना निकालें जो किसी की दिल शिकनी हो, बस इतनी सी इल्तिजा करती हूँ।
और आप ज्यादा जिम्मेदार हैं क्योंकि आप साथ में आसमान पर हैं, तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा जी। सुन लो, सुन लो, सुनो, बोले नहीं, जितनी देर मैं पढ़ूं पढ़िए, उतनी देर सिर्फ आप सुने, बस आपसे ये गुजारिश है। सुनिए इरशाद, इरशाद। खामोश लब हैं, साथ दें जरा सा, आप खामोश रखें महफिल को। झुकी हैं पलकें, बहुत खूब, दिलों में उल्फत नई नई है। आपने हुक्म दिया है, इसलिए मैं उस हुक्म की तामील कर रही हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बस अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, शेर सुने, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है। हाँ, क्या अच्छा मिसरा है, बहुत शुक्रिया। बाहर का आज पहला, बाहर का आज पहला दिन है। चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है। चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। वाह 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 वाह, क्या हो गया? देखिए प्लीज, आपसे गुजारिश, आप हमारे छोटे हैं, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं दोस्तों, अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि आप हैदराबाद। खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, माफ कीजिएगा। शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। कुछ आदाब हमें भी आते हैं, आपको भी आते हैं, लेकिन आज आप पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप शेर सुनने आए हैं जी, पढ़िए शेर, सुनिए, बस इतनी सी इल्तिजा है आपसे। आपकी हर ख्वाहिश, मुझे इजाजत दे दीजिए थोड़ी सी। ये जो फलफिशार होता है, ये मुशायरे की तहजीबें नहीं है, क्योंकि ये मैं हैदराबाद पे नाज करती हूँ। हमारे करीब में हमें हमारे सरपरस्त बैठे हुए हैं, जो हमारा वकार हैं, हमारा फख्र है, तो मुझे बस पढ़ने की इजाजत दे दें, मैं पेश करूँ जी। पढ़ें, पढ़ें आप। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जहाँ जहाँ तक ये काबिल एहतराम समाते हैं, इस गजल में एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, जो आपने मुझसे नहीं सुना होगा। एक ताजा शेर पढ़ती हूँ और हैदराबाद में सुनाती हूँ, फिर देखती हूँ कि हैदराबाद के लोग कितने खुलूस से और कितनी मोहब्बत से इस शेर को सुनते हैं। शेर मुलाहजा कीजिएगा बतौर खास के, पहले सुन लीजिए। हुसैन सुल्तान कल भी थे, और शेर सुने। हुसैन सुल्तान कल भी थे, और हुसैन सुल्तान आज भी है। हुसैन सुल्तान कल भी थे, और हुसैन सुल्तान आज भी है। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं नहीं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी भाई के लिए, जोरदार इस्तकबाल भाई का कीजिए कि उन्होंने मुझे, बहुत शुक्रिया। जब भाई ऐसे मुजाहिद मौजूद हो तो फिर क्यों नहीं हौसला मिलेगा। पेश करती हूँ। हुसैन सुल्तान, हुसैन सुल्तान कल भी थे, और हुसैन सुल्तान आज भी है। यजीद औकात
सुलभ है, बहुत शुक्रिया। झुकी है पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। अब ये शेर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, जो आपका बहुत सुना हुआ है, आपकी खिदमत में फिर से पढ़ती हूँ कि जो खानदानी वाह जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो, बहुत शुक्रिया रहमान भाई। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। और ये भी शेर सुने कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में अभी तो शोहरत नहीं। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई। फिर से पढूं? वाह, तो आप जरा सा जोरदार बताइए कि हाँ कैसे फिर से पढ़ना चाहिए। बहुत मेहरबानी, मुझे हुक्म मिल रहा है, मैं पढ़ती हूँ कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने हवा में अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। मख्ता भी पढ़ती हूँ कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना